ठीक लग रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को भाई ये इतनी प्रीमियम स्क्रीन दे दी है इस सेगमेंट की, 200 सीसी की कोई भी ऐसी बाइक नहीं जिसके अंदर आपको इतनी प्रीमियम स्क्रीन मिलती हो। बहुत मस्त लगती है देखने में, इतनी प्रीमियम, इतनी लेविश, इतनी बेहतरीन लगती है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ महंगी वाली बातचीत है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँ KTM की ड्यूक 200। अब काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार प्रीत भाई ड्यूक 200 है तो दिखने में पुराने वाले जैसी है ना, तो ऐसी न्यू शेप के अंदर है जैसे कि 390s वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई है ना, 250 जैसी दिखती है। पर भाई इसके अंदर KTM ने कुछ एक ऐसा काम कर दिखाया, मतलब आप लोग कहोगे कि ये चीज़ इन्होंने 250 में नहीं करी पर भाई ड्यूक 200 के अंदर कर दी है। तो बेसिकली आप लोगों ने ओवरऑल बाइक देख रखी है, मैं पूरी वो सारी चीज़ें आपको बाद में दिखाऊंगा, बट सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर नई हाईलाइट क्या है जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए वाला वीडियो बना रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो भाई चाबी आप लोगों को वेव की देखने के लिए मिलेगी, टिपिकली जैसा आप लोगों ने KTM की अदर बाइक्स के अंदर देखा है सेम वैसे आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ KTM की ब्रांडिंग रहने वाली है, इधर की तरफ कंप्लीट वेव की है कुछ इस तरीके से। तो भाई देखो सबसे पहले जैसे ही मैं चाबी लगाऊंगा, चाबी लगाने के बाद आप लोगों को जो सबसे बड़ा अपडेट देखने के लिए मिलेगा वो है यहाँ पे भाई KTM ड्यूक 200 के अंदर, जो कि अपनी पुरानी वाली जैसे कि जनरेशन 2 वाली ड्यूक 390 है अपना डुकासुर है उस तरीके की शेप के साथ यहाँ पे KTM ने भाई इसके अंदर न्यू कलर TFT स्क्रीन इंट्रोड्यूस करा दिया एंड उसी के साथ साथ इधर का कंप्लीट मॉड्यूल चेंज कर दिया है। राइट साइड का जो मॉड्यूल है वो आप लोगों को पुराने जैसा ही मिलेगा जिसमें ये अलग अलग बटन रहने वाले हैं, न्यू वाले के अंदर आप लोगों को अलग आता है वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। पहले इसके अंदर मीटर कैसे आया करता था वो मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पर ओवरले लगा दूंगा, या फिर देखो वहाँ पर ड्यूक खड़ी है, मैं आपको एक बार पहले पुराना वाला दिखाता हूँ। देखो ओल्ड शेप के अंदर भाई देखो कुछ आपको ऐसा मीटर देखने के लिए मिलता है जो कि KTM ने आज तक शुरुआत से यही दिया है, और साइड की जो असेंबली है वो कुछ ऐसी रहा करती थी, राइट साइड की असेंबली सेम है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करा गया है। अब आप लोगों को दिखाते हैं इन्होंने न्यू शेप 2024 या फिर आप लोग कह सकते हो कि 2025 KTM ड्यूक 390 KTM ड्यूक 200 के अंदर क्या क्या चीज़ें बदली हैं। सबसे पहले चाबी ऑफ करके ऑन करोगे तो जैसे 390 के अंदर आती है स्क्रीन वैसी है, रेड टू रेस लिखा आएगा प्रॉपर, ऐसी कुछ एनिमेशन आएगी। फीचर्स ऑब्वियसली इसके अंदर से कुछ काट दिए गए होंगे जैसे कि 390 के अंदर जो आते हैं वो इसके अंदर नहीं होंगे, पर सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि भाई इसके अंदर आप लोगों को ना, अब इसे बैक करो, यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर आ गया, ये RPM मीटर हो गया, वार्निंग लाइट्स हो गई ऊपर की साइड में, ABS डुअल चैनल, यहाँ पर आप लोगों की एवरेज बैटरी वोल्टेज स्पीड ट्रिप, यहाँ से अब मैं इसको टॉगल करूँगा। सबसे पहले भाई मैं वाला बटन दबाता हूँ तो इसके अंदर मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के अंदर आप लोगों को ABS मोड मिलेगा, सुपर मोटर मिलेगा। पीछे का आप जो ABS है जब बंद कर दोगे तो इसके अंदर रेड लाइट आ जाएगी, और अगर इसको ऑन रखोगे तो रोड मोड पर रहेगी, ग्रीन लाइट रहेगी, मतलब डुअल चैनल ABS वर्क करेगा। ABS के बाद अगर मैं अच्छा मोटरसाइकिल के अंदर ABS आता है तो इसके अंदर भाई सबसे पहले आपका ये कूलेंट आ गया, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडो, सर्विस, अच्छा सर्विस के लिए यहाँ पे जो भी आपका अभी 998 किलोमीटर के बाद सर्विस होनी है इसकी, ये डेट टाइम लिखा गया, सॉफ्टवेयर वर्जन लिखा गया। सर्विस के अंदर अगर आओगे तो एक वार्निंग आ रही है, क्या वार्निंग आ रही है, किल स्विच प्रेस, मतलब किल स्विच बंद है उसकी वार्निंग आ रही है, तो वो सब भी प्रॉपर लिखा हुआ रहा है। एक चीज़ है भाई ये वाली ना जो इसके अंदर ये मतलब TFT जो KTM ने इंट्रोड्यूस करी थी अपनी इसके अंदर डुकासुर 390 के अंदर, जो ये वाली जो ड्यूक आई थी इसके अंदर जनरेशन 3 वाली, भाई बहुत मस्त लगती है देखने में, इतनी प्रीमियम, इतनी लेविश, इतनी बेहतरीन लगती है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ महंगी वाली बातचीत है। ट्रिप इन्फो के अंदर आओगे तो भाई देखो ऑब्वियसली ट्रिप इन्फो के अंदर आएंगे, ट्रिप भी ट्रिप वन ट्रिप टू मिलेगी ऑब्वियसली अपने अकॉर्डिंग, इन चीज़ों को आप लोग सेट कर सकते हो, बेसिक्स है। जब आप इसके अंदर बाइक खरीद के ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करोगे या फिर मतलब जब ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से आप लोग कनेक्टिविटी में आकर ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, कॉल अटेंड करने वाले, म्यूजिक व्यूजिक चलाने वाले सारे फंक्शन मिल जाएंगे। शिफ्ट लाइट में देखता हूँ एंटर होता है अभी नहीं होता है, तो शिफ्ट लाइट में एंटर नहीं हो रहा है अंदर, अच्छा यहाँ पे शिफ्ट लाइट सॉरी। तो अब मैं इसके अंदर सेटिंग में आता हूँ, सेटिंग के अंदर आपको ये सारी सेटिंग मिलेंगी, तो सेटिंग में एंटर करते हैं। फेवरेट के अंदर अगर आप लोग चाहो तो बाहर जो लगाना है वो चीज़ें टॉगल कर सकते हो, बाहर होम स्क्रीन पे मैंने आपको ये चार चीज़ें दिखाई थी, ये चार चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग फेवरेट 1, 2, 3, 4 के अंदर चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसके अंदर ट्रिप 1 लगाना है, डिस्टेंस लगाना है, मतलब जो भी चीज़ें ऐसे लगानी है एवरेज वगैरह, वो सारी चीज़ें आप फेवरेट में आके चारों में सेलेक्ट कर सकते हो, चारों चीज़ें अपने अकॉर्डिंग, मतलब कस्टमाइजेशन का लेवल देख रहे हो, सब कुछ इसके अंदर आप लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग क्विक सिलेक्टर में आओगे तो ये जो दो बटन है इन दोनों बटन से आप लोग डायरेक्ट प्रेस करके क्या चाहते हो, मतलब जैसे कि इसके अंदर आओगे ऊपर वाला बटन अगर आप प्रेस करोगे तो आपको बाइक की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ABS मोड चाहिए, ट्रिप चाहिए, ट्रिप 1-2 चाहिए, या ऑडियो से रिलेटेड चीज़ चाहिए, या नेविगेशन चाहिए, वो आप इन दोनों बटन में, वो चीज़ आप इन दोनों बटन में डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हो, तो ये उसका ऑप्शन है क्विक सिलेक्टर। नीचे आएंगे कनेक्टिविटी, ऑब्वियसली यहाँ से आपका ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा, फोन कनेक्ट कर सकते हो, हेडसेट कनेक्ट कर सकते हो, इंटरकॉम और मोबाइल दोनों चीज़ें एक बार में इसमें कनेक्ट हो जाती हैं, तो मल्टीपल यूजेस आपको मतलब मल्टीपल कनेक्टिविटी मिल जाती है। शिफ्ट लाइट के अंदर मैं यहाँ पे आऊँगा तो शिफ्ट लाइट आप लोगों की जब ये 1000 किलोमीटर क्रॉस कर जाएगी तो आप लोग उसके बाद अपने इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने हज़ार RPM के ऊपर इसके मीटर में ऐसे ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है, बता देता है कि हाँ भाई तेज़ मत चलाओ, तेज़ चल रही आपकी बाइक, RPM अलर्ट जो होता है वो है। पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जस्ट आपको ये रहता है कि हाँ भाई आपको ये नज़र आएगा कि हाँ भाई अब आपकी बाइक जो आप ब्रेड लाइन ज़्यादा कर रहे हो, इंजन पे ज़्यादा आप लोग मतलब कह सकते हो कि स्ट्रेस बना रहे हो, वो एक चीज़ है। क्लॉक एंड डेट के अंदर बेसिक आपको पता ही होगा इसमें क्या होगा, इसमें डेट वेट टाइम सेट कर सकते हो, और पीछे आप नीचे आएंगे यूनिट्स,
यूनिट्स के अंदर आप लोगों को किलोमीटर में चाहिए, माइल्स में चाहिए, ये फीचर मिल जाता है। टेम्परेचर के अंदर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में चाहिए, ऑब्वियसली सेल्सियस में चाहिए। कंजप्शन के अंदर लीटर पर 100 किलोमीटर चाहिए या किलोमीटर पर लीटर चाहिए, अकॉर्डिंग टू यू आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हो। एक्स्ट्रा फंक्शंस के अंदर कॉल, ऑडियो, नेविगेशन, रिमोट कंट्रोल मोड, अच्छा ये भी एक्सेस नहीं, ये मतलब वही ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद एक्सेस होंगे। तो ये कुछ इसके अंदर इन्होंने फीचर डाले हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अभी एक हज़ार्ड भी आ गया है, ये मैं चाबी बंद कर दूंगा तब भी आपका जो हज़ार्ड है वो जलता रहेगा। ये देखो भाई कुछ इस तरीके से मे भी आप लोगों को नज़र आएगा, दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ ऐसे नज़र आने वाला है। और इसको अगर बंद करना है तो बंद करने के लिए ऐसे बंद नहीं होगा, चाबी ऑन करोगे तो यहाँ से आपका ये बंद हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद जैसी एनिमेशन पूरी कंप्लीट ऑन होगी देन आप लोग इसको ऐसे इस तरीके से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो ये बात रही आपकी हज़ार्ड की, ये यहाँ पे ये सारा जो कंसोल है असेंबली चेंज हो गई, लो बीम हाई बीम भी इधर अब आपको इंटीग्रेटेड देखने के लिए मिलेगी। देखो ये रही आपको ऊपर, ये रही भाई पासिंग, ये हाई बीम, ये लो बीम, ये हो गई इस तरीके से, ठीक है जी। इसको बैक कर देते हैं। और इल्यूमिनेटेड लाइट्स है इन सारे बटन के अंदर, है इसमें नहीं है, इन दोनों में भी नहीं है, ठीक है। और हॉर्न, हॉर्न तो वैसे ही है पहले जैसा, और यहाँ पे भी इल्यूमिनेटेड लाइट इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये कुछ इसके अंदर भाई आप लोगों को जो अपडेट है भाई KTM की तरफ से देखने के लिए मिलेगा ड्यूक 200 के अंदर। तो जो ड्यूक 200 के दीवाने हैं वो इस नवरात्रे या फिर इस फेस्टिवल सीजन इस दिवाली अपना KTM ड्यूक 200 को खरीद सकते हैं, जिसके अंदर आप लोगों का सबसे बड़ा अपडेट भाई ये TFT दे दिया KTM ने पर्सनली भाई, इसके लिए मैं बहुत तगड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा। अब सवाल आता है कि रेट कितना बड़ा होगा, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाकी एक्यूरेट करेक्ट कंफर्म करके आप लोगों के लिए स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, 2,28,000 रुपये की हमारे यहाँ ऑन रोड दिल्ली में मिल जाती थी। अब अगर इसके न्यू प्राइस की बात करी जाए तो अब आप लोगों को KTM की जो ड्यूक 200 है समवेयर अराउंड कॉस्ट करेगी 2,38,000 रुपीज़। अगर KTM 10,000 रुपये बढ़ा के आपको ऐसी TFT स्क्रीन दे देता है और इधर के सारे बटन बटन दे देता है तो मुझे तो भाई थोड़ा वर्थ इट लगेगा इसको लेना मेरे हिसाब से। तो मैं तो पर्सनली मतलब सजेस्ट करूँ तो मुझे तो इसका प्राइस 2,38,000 रुपये ठीक लग रहा है, जिसके अंदर आप लोगों को भाई ये इतनी प्रीमियम स्क्रीन दे दी है। इस सेगमेंट की 200cc की कोई भी ऐसी बाइक नहीं जिसके अंदर आपको इतनी प्रीमियम स्क्रीन मिलती हो। अब आप लोग खुद सोच के देखो कि आप लोगों को जो लोग TFT के पीछे भाई Yamaha R15 M खरीदते थे, मेरे हिसाब से तो अब R15 M के बदले आप Duke 200 कंसीडर करो, इसमें मज़ा आएगा, स्पेशली डेडिकेटेड अगर स्क्रीन आप लोगों की प्रायोरिटी रहती थी तो। फीचर्स भी इसके अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जैसे 390 के अंदर आते थे, बट उसके अलावा अगर ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन या फिनिश की बात कर जाए बहुत सही लग रही है, बहुत प्रीमियम लग रही है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, देखो जैसे कि यहाँ पे LED लाइट्स देखने के लिए मिलेगी, LED टर्न इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं। सामने की तरफ अगर देखोगे तो WP की आपको सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगी, ब्रांडिंग आप लोगों को नज़र आ रही है। 110 सेक्शन का आप लोगों को फ्रंट के अंदर टायर देखने के लिए मिलने वाला है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। MRF का रेव्स टायर है ये, 110 सेक्शन का रहेगा, जो कि KTM 100 सेक्शन का टायर देती ही नहीं है अपनी बाइक में। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, MRF रेव्स रहने वाला है, 110/70/R17 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, देखो यहाँ से ये रहा 110/70/R17 की आप लोगों को इसके फ्रंट टायर प्रोफाइल मिलेगी, 150 की प्रोफाइल आप लोगों को इसके अंदर रियर में मिलेगी, 150/60/R17। और साइड प्रोफाइल से अगर बात करी जाए तो इसके अंदर वही 199cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन देखने के लिए मिलता है, ये आपका प्रॉपर रेडिएटर वगैरह, 6 स्पीड का इसके अंदर गियर बॉक्स आता है। तो ये भाई इसके अंदर आप लोगों को जो इंजन मिलेगा ये BS6 फेज 2 के अंडर आता है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड रहने वाला है। एंड क्लच वगैरह भी आप लोगों को बाइक के अंदर काफ़ी स्मूथ देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कुछ फ्रंट का डिस्क ब्रेक हो गया, ORVM जो रहने वाले हैं, फिर रियर व्यू मिरर जो रहने वाले हैं वो भी काफ़ी बड़े और काफ़ी ब्रॉड है। इसके अंदर ओल्ड टाइप के जैसे KTM में आते हैं वैसे ही हैं, इसके अंदर न्यू शेप के नहीं है जैसे ड्यूक 390 वगैरह के अंदर आए थे या फिर ड्यूक 250 के अंदर आते हैं, कुछ इस तरीके के देखो ये ऐसे वाले मिरर नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ऐसे वाले मिरर उस बाइक की शेप के हिसाब से इन लोगों ने बनाए KTM वालों ने, इसके हिसाब से ये वाले ही हैं। ग्राफिक्स अगर देखोगे तो भाई इसके अंदर कुछ ऐसे ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, कुछ ग्रेश कलर है इसके अंदर, 200 लिखा हुआ है। एंड ये कंप्लीट साइड प्रोफाइल हो गई बाइक की, तो टेल वगैरह भी आपको एज इट इज़ देखो सेम देखने के लिए मिलेगी कुछ ऐसी, और ये सब भी सब कुछ सेम है इसके अंदर, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे ड्यूक की ब्रांडिंग है, अगर मैं डुकासुर की बात करूँ मेरी डुकासुर में यहाँ पे KTM लिखा हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे DUKE ड्यूक लिखा हुआ है, ठीक है जी। और आप लोग बताओ कमेंट करके कि क्या इस बाइक को लेना वर्थ इट है या फिर नहीं है, या फिर आप अभी भी ओवर KTM ड्यूक 200 Yamaha R15 M खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, आप लोग कमेंट करके बताना। हालांकि कोई ये मत बोलना कंपैरिजन किस बिहाफ पे कर रहे हो, मैं जस्ट प्राइस के हिसाब से कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या आप लोग इनमें से कौन सी लेना कंसीडर करोगे। मेरे को तो भाई ये वाली ज़्यादा अपीलिंग लग रही है, अब जो बात है, ठीक है जी। अब एक बार आप लोगों को फटाफट से इसकी साउंड सुनाता हूँ और इस वीडियो को एंड करते हैं। ये मैंने करा भाई इसको ऑन, ये हो गया जी किल स्विच ऑन, फ्यूल पंप को ऑन होने देते हैं। अब इसके अंदर जो टेम्परेचर है ना वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आया करेगा, ये करा, इनिशियली आपकी बाइक स्टार्ट हो चुकी है, ऐसी कुछ साउंड है, थोड़ी सी इसको हम गर्म होने देंगे। ये देखो इसके अंदर आप लोगों की फ्यूल की जो रेंज है वो भी यहाँ पे आपको लिखी हुई देखने के लिए मिला करेगी कि आपकी बाइक एक टैंक में कितना किलोमीटर जाने वाली है।
ये देखो भाई आवाज़ सुनो, साउंड वगैरह आप लोगों को बढ़िया मिलने वाली है, एकदम स्मूथ सी साउंड है। जो ओल्ड स्कूल KTM की साउंड थी वो तो भाई अब कहीं पे गायब ही हो गई है, बट ठीक है। पर ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो सुनने सुनाने में साउंड बढ़िया है। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो भाई ये TFT स्क्रीन है, जिसने भाई मतलब आप ये लगा लो दिल जीत के रख लिया है, बहुत बढ़िया लग रही है देखने में, ठीक है जी। और इस वीडियो को मैं अब यहीं पर एंड कर देता हूँ। आई थिंक मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ कवर कर लिया होगा, कुछ ऐसा नहीं है जो रहा होगा। अगर रहा होगा तो आप मेक श्योर आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।